खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना पुलिस को एक बार फिर कई अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल व अन्य मोटरसाइकिल बरामद किया है। मामले के संदर्भ में रविवार को सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर SDPO संतोष कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से अलग अलग मामले में कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि बीते कल सदर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुधाकर कुमार को शहर में कुछ अपराध कर्मियों के चहलकदमी की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष सदर के नेतृत्व में प्रशिक्षु पुलिस पदाधिकारी चंद्रजीत प्रभाकर एवं पैंथर टीम द्वारा सदर थाना क्षेत्र के रणखेत के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान पुलिस को देख भाग रहे दो अपराध कर्मी बिट्टू कुमार एवं भीम कुमार को गिरफ्तार किया गया, जो बैजनाथपुर पुलिस शिविर क्षेत्र के रामपुर का रहने वाला है। तलाशी लेने के दौरान दोनों के पास से 3 देसी पिस्टल, 17 राउंड जिंदा कारतूस एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जिक्र में गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के हटियागाछी के समीप एक युवक हथियार लेकर कहीं जा रहा है। सूचना के आलोक में जो ही पुलिस वहां पहुंची कि पुलिस गाड़ी को देख उक्त युवक भागने लगा, जिसे खदेड़कर पैंथर टीम द्वारा पकड़ा गया, जिसकी पहचान केशव झा के रूप में हुई, जो सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के शाहपुर का रहने वाला है। तलाशी लेने के दौरान उसके पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं चोरी की मोटरसाइकिल के साथ साथी चोर चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो थाना क्षेत्र के सिरादे पट्टी का रहने वाला है। उसकी निशानदेही पर महिषी थाना अंतर्गत कनरिया उप क्षेत्र के घोगसम गांव से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। सदर SDPO ने बताया कि बरामद 2 मोटरसाइकिल में से 1 मोटरसाइकिल सदर थाना में दर्ज 245 बायस की है, जो बीते दिनों चोरी हो गई थी, जबकि बरामद 1 अन्य मोटरसाइकिल का पता पुलिस द्वारा लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। BNP न्यूज के लिए सहरसा से संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट। कल थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार के निर्देशानुसार स्पेशल ऑफिसर PSI चंद्रजीत कुमार को पैंथर टीम के साथ भेजा गया था। पेट्रोलिंग के क्रम में ये वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो वाहन चेकिंग करने के क्रम में ही सुखासन रणखेत के पास एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति भागने का प्रयास हुआ, जिसको इन लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। तो पकड़ के लिया इन लोगों की, जब तलाशी ली गई तो तलाशी में इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, कुछ जिंदा कारतूस वगैरह प्राप्त हुए, और जिस मोटरसाइकिल से भाग रहा था उसको भी लेकर के थाने की ओर आ रहे थे। इसी बीच थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधाकर को सूचना मिली कि हटियागाछी में कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं, जिस पर जब इन लोगों ने वहाँ से लौटते समय उन लोगों को चेस किया और केशव झा नाम का एक व्यक्ति पकड़ाया, वो भाग रहा था, इनको देखते गए, पकड़ने के बाद इनके हाथ में एक पिस्टल मिला। ये बंदा अकेले ही था, इन लोगों को लेकर के थाना आया है, यही मामला है। अनंत कुमार एक और पकड़ा गया है, जो चोर है गोकसम से, चोरी की मोटरसाइकिल पकड़ाई है इसके निशानदेही पे, जिसकी कांड संख्या 245/22 में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उस मोटरसाइकिल को पकड़ा गया, उसी की निशानदेही पे उस पर फिर एक और मोटरसाइकिल पकड़ा गया है, वो चंदनपुर है।